जब हम नॉलेज मैनेजमेंट की स्ट्रेटजी बना रहे हैं उस स्ट्रेटजी को बनाते हुए एक हमें इन्वेंट्री बनानी होती है कि किस तरह का नॉलेज जो है वो क्रिएट होगा नॉलेज मैनेजमेंट को इम्प्लीमेंट करने के बाद तो आइए देखते हैं कि किस तरह का कौन सी टाइप्स का नॉलेज जो है वो नॉलेज मैनेजमेंट की एप्लीकेशन के बाद प्रोड्यूस होता है तो सबसे इसमें इसमें जो टर्म इस्तेमाल होती है उसे बोलते हैं इंटेलेक्चुअल एसेट्स इंटेलेक्चुअल एसेट क्या है इनटैजिबल एसेट्स

दैट आर फार्मली प्रोटेक्टेड बाई स्टेचूट लॉ कि आपने कोई चीज़ इजाद की आपने कोई फार्मूला इजाद किया उसका आपने पेटेंट के रजिस्ट्रार ऑफिस से आपने उसकी रजिस्ट्रेशन करवा ली तो वो लीगली दूसरे लोग बाउंड हो जाते हैं कि अगर वो आपका फार्मूला कॉपी करना चाहते हैं तो वो आपसे परमिशन लें आपको उसका उसकी उसके लिए पेमेंट करें उसके बाद ही वो उस फार्मूले को यूज़ कर सकते हैं तो कोई भी ऐसे ऐसी सर्विस कोई ऐसी प्रोडक्ट के जो आपकी यूनिक प्रोडक्ट है आप उसको लीगली कवर कर सकते हैं तो इसको हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहते हैं तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के लॉज़ हैं दुनिया में जिनको फॉलो करके आप इसकी लीगल प्रोटेक्शन ले सकते हैं इंटेलेक्चुअल uh, कैपिटल की जब हम बात करें तो इसमें क्या क्या शामिल है इंटेलेक्चुअल कैपिटल रिफ़र्स टू द डिफरेंस बिटवीन अ कंपनीज मार्केट वैल्यू यहाँ पे ये फिर एक टर्म है एंड इट्स बुक वैल्यू कि मार्केट वैल्यू मार्केट में उस कंपनी की क्या वर्थ है इसमें उसका हिडन नॉलेज भी शामिल है जबकि बुक वैल्यू जो है उसमें हिडन नॉलेज शामिल नहीं है तो ये जो डिफरेंस है इसको हम इंटेलेक्चुअल कैपिटल बोलते हैं इट कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल नॉलेज एंड द एबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस मेंबर्स टू एक्ट ऑन इट कि उसका नॉलेज क्या है और उसके जो मेंबर्स हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के उनकी जो उसको अप्लाई करने की या उस पर एक्ट अपॉन करने की जो उनकी सलाहियत है वो इसमें शामिल होती है इंटेलेक्चुअल कैपिटल इज़ ऑफन यूज सिनोनीमसली विद द टर्म्स इंटेंजिबल एसड्स इंटलेक्चुअल एसड्स या फिर नॉलेज एसट्स तो ये डिफरेंट टर्म्स इस्तेमाल होती हैं लेकिन इन सब का मकसद ये है कि ऑर्गेनाइजेशन का एक इंटेलेक्चुअल एसिड या इंटेलेक्चुअल कैपिटल होता है इंटेलेक्चुअल एसेट्स भी दो किस्मों का होता है एक है अ सेमी परमानेंट बॉडी ऑफ टेसिट एंड एक्सप्लिसिट नॉलेज ये सेमी परमानेंट है इसमें इसमें चेंजेस आती रहती हैं अबाउट अ टास्क अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन किसी काम के बारे में किसी शख्स के बारे में किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ये एक टेस्ट और एक्सप्रेश नॉलेज का मजमू होता है और दूसरी टाइप है कैपिटल रिसोर्स इसमें क्या क्या शामिल है ह्यूमन स्ट्रक्चरल एंड रिलेशनल ह्यूमन का मतलब इंसानों के पास जो उनके जहनों में नॉलेज है स्ट्रक्चरल का मतलब कि एक स्ट्रक्चर में है टेक्नोलॉजी में है वो नॉलेज और उसके बाद है रिलेशनल इंसानों का जो आपस में ताल्लुक है या उस कंपनी के जो एम्प्लॉइज़ हैं उनका कस्टमर्स के साथ या सप्लायर्स के साथ या कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ जो रिलेशनशिप है उसके नतीजे में जो नॉलेज क्रिएट होता है उसको भी हम इंटेलेक्चुअल एसेट कहते हैं दैट ऑगमेंट दिस बॉडी ऑफ नॉलेज के ऊपर जो बॉडी ऑफ नॉलेज जो है वो बताई गई है उसको ऑगमेंट करने के लिए उसके लिए हेल्पफुल होने के लिए ये दूसरी बॉडी ऑफ नॉलेज जो है ये तैयार होती है तो ये दोनों टाइप्स का जो नॉलेज है ये इंटेलेक्चुअल एसेट कहलाता है आ, एक और ऑथर ने अपने अंदाज़ में कैटेगरीज बताई हैं नॉलेज एसेट्स की उन्होंने तीन कैटेगरीज बताई हैं सबसे पहले ह्यूमन कैपिटल है अब ह्यूमन कैपिटल में क्या क्या शामिल है नॉलेज इनहेरेंट इन एम्प्लॉइज़ एंड कॉन्ट्रैक्टर्स एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कैलकुलेट यही वो नॉलेज है जो टेसड नॉलेज था और ये डिफिकल्ट होता है कैलकुलेट करना कि कितना है लेकिन ये नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसको ह्यूमन कैपिटल कहते हैं और दूसरा है स्ट्रक्चरल इसमें पॉलिसीज़ हैं प्रोसीजर्स हैं कस्टमाइज सॉफ्टवेयर एप्प्लीशनस हैं इसमें ट्रेनिंग कोर्सेज हैं इसमें पेटेंट्स हैं जो उस ऑर्गेनाइजेशन ने अपने प्रोडक्ट्स पे लिए हुए हैं तो इस किस्म का सारा नॉलेज इस ऑथर के नज़दीक स्ट्रक्चरल नॉलेज है उसके बाद कस्टमर कैपिटल है कि जिसका ताल्लुक़ कस्टमर के साथ है इधर कॉर्पोरेट रिलेशनशिप्स विद कस्टमर्स कस्टमर्स के साथ उस ऑर्गेनाइजेशन का जो रिलेशनशिप है कस्टमर्स के बारे में जो नॉलेज है और उसकी बेसिस पे वो प्रोडक्ट को डिज़ाइन करते हैं या उसके अंदर मोडिफिकेशन करते हैं और कस्टमर को सैटिस्फ़ाई करने की कोशिश करते हैं तो ये नॉलेज जो है ये नॉलेज एसेट की तीसरी किस्म है कस्टमर कैपिटल अगर हम एक इन्वेंट्री बनाएं या इन्वेंट्री देखें कि इंटेलेक्चुअल एसेट्स में क्या क्या शामिल होगा तो उसकी एक लिस्ट हमारे सामने जो है वो आपकी टेक्स्ट बुक में मौजूद है इसमें क्या क्या शामिल है प्रोडक्ट फार्मूले हैं मैनुफेक्चरिंग प्रोसेस हैं न्यू प्रोडक्ट प्लान्स पैकेजिंग स्पेसिफिकेशंस प्रोडक्ट कंपोजिशंस रिसर्च डायरेक्शन टेस्ट मेथड्स, अलाइंस रिलेशनशिप्स कि आपने दूसरे इदारों के साथ जो अलाइंस किया है बिज़नेस प्लान्स होते हैं स्ट्रेटजिक डायरेक्शन होती है वेंडर टर्म्स होती हैं जिस जिससे आपने जो चीज़ परचेज करनी है इसमें कॉम्पटिव एनालिसिस होता है कि मार्केट में आप कितना शेयर ले रहे हैं आप कहाँ खड़े हैं दूसरे इदारे कहाँ खड़े हैं उसके बाद कस्टमर लिस्ट होती है मार्केटिंग प्लान्स होते हैं सेल्स प्रोजेक्शंस होती हैं कि इस वक्त हमारी सेल कहाँ है अगले कुछ अगले ख़ास अरसे में ये कहाँ तक जाने का इम्कान है या कहाँ तक ले जाना चाहते हैं आप इसमें इदारे का बजट होता है इसमें फ़ाइनेंशियल प्रोजेक्शंस होती हैं कि कितनी इनकम जो है वो कैसे बढ़ेगी कितने ख़ास अर्से में इसमें प्राइसिंग का अनालिस होता है कि हमारी प्राइसेस जो हैं वो कैसे ऊपर नीचे जाएंगी मार्केट में और सबसे आखिर में ये है कि इसमें आपके एम्प्लॉज़ की एक लिस्ट होती है तो ये सारी चीज़ें मिला के तो हम इसे इंटेलेक्चुअल एसेट्स की एक इन्वेंट्री या एक लिस्ट कह सकते हैं